स्वागत है आपका अभी कॉमर्स क्लासेस के इस चैनल में। आज इनकम टैक्स का एक और टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए। इनकम टैक्स में जो इनकम का जो चौथा हेड है कैपिटल गेन, आज उस पर छोटी सी चर्चा करेंगे। कैपिटल गेन अपने आप में बहुत लेंदी चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूँगा कि दो तीन वीडियोज़ में आपको इसको पूरा समअप कर सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक टॉपिक कैपिटल गेन। सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि इनकम टैक्स एक लॉ है। इन लॉ होने के कारण आपको इसको लॉ की तरह पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल्स तो बात की बात है, वो अपने आप बनते रहेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है, आपका लॉ स्ट्रांग है, तो आपको ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से बनेगा, अच्छे से रिजल्ट देगा। तो कैपिटल गेंस का मतलब क्या होता है? गेंस ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स इन प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड कैपिटल गेंस। मतलब प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष में किसी भी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर करने से होने वाला जो गेन है वो क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल गेन, और लॉस होता तो कैपिटल लॉस। अब इस डेफिनेशन में तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक पहला ट्रांसफ़र, दूसरा कैपिटल एसेट और तीसरा कैपिटल गेन्स। अगर आप ये तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको कैपिटल गेन पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि कैपिटल एसेट्स क्या होता है, फिर हम बात करेंगे ट्रांसफ़र की, और लास्ट में हम बात करेंगे कैपिटल गेन्स की। तो कैपिटल एसेट, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? हम सब जानते हैं कि एसेट्स दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, जो कि अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं हम। तो जो फिक्स्ड एसेट्स होता है उसमें एक पार्ट होता है कैपिटल एसेट्स का। करेंट एसेट कभी भी फिक्स कैपिटल एसेट नहीं बन सकते। तो बिजनेस में जो आप फिक्स्ड एसेट यूज़ करते हैं उन एसेट्स में से ही कैपिटल एसेट बनता है। करेंट एसेट कभी भी कैपिटल एसेट नहीं बन सकते। कैन नॉट बी कैपिटल एसेट। ऐसा इसलिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, करंट एसेट्स का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्टॉक, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को आप करंट एसेट लेते हैं और वो आप सेल करने के लिए अपना रखते हैं। तो जब आप इन्वेंट्री को सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस हुआ। बिज़नेस होने के कारण वो आपकी साइड में लिखा जाता है PGBP में, इसलिए वो कैपिटल एसेट का या कैपिटल गेंस का पार्ट तो बन ही नहीं सकता। सेकेंड आपको ध्यान रखना है, मूवेबल एसेट्स कैन नॉट बी कैपिटल एसेट। बिजनेस में जो भी आप मूवेबल एसेट यूज़ करते हैं वो आपका कैपिटल एसेट नहीं बनता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बिजनेस में व्हीकल्स हैं, कार है, तो कार एक मूवेबल एसेट है, लेकिन वो कभी भी कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ इसके एक्सेप्शन्स हैं, जैसे शेयर्स, सिक्योरिटीज़, ये मूवेबल हैं और मूवेबल होने के बाद भी क्या है, एसेट माने जाते हैं। इसके अलावा ज्वेलरीज या ऐसे महंगे फर्नीचर्स मूवेबल होने के बाद भी, जिसमें फर्नीचर्स जैसे कि बहुत महंगे हैं, बहुत पुराने समय के हैं, या उसमें कुछ रत्न जड़ित हैं, तो ऐसे फर्नीचर्स को भी आप क्या कर सकते हैं, मूवेबल होने के बाद भी कैपिटल एसेट मान सकते हैं। थर्ड, पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी अ कैपिटल एसेट्स। याद रखिए, पर्सनल एसेट जो है, पर्सनल एसेट मतलब जैसे कि कपड़े हो गए या कुछ ऐसे सामान, फर्नीचर वगैरह जो आप पर्सनली यूज़ करते हैं, वो कैपिटल एसेट नहीं होते। अभी हमने देखा भी था कि फर्नीचर मूवेबल है, मूवेबल होने के कारण वो कैपिटल एसेट नहीं होता। अगर वो पर्सनल है तो भी वो कैपिटल एसेट नहीं है।
लेकिन याद रखना आपको कि जैसे मूवेबल एसेट में कुछ एक्सेप्शन था, वैसे ही एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, और लगभग ये कुछ मिलते जुलते टाइप के ये मूवेबल और पर्सनल में। जैसे कि ज्वेलरी, ज्वेलरी की बात करें, ज्वेलरी एक पर्सनल एसेट भी हो सकता है और मूवेबल एसेट तो है ही ज्वेलरी, लेकिन इन दोनों के बाद भी क्या बनता है, वो कैपिटल एसेट बनता है। कैसे बनता है? अपवादित रूप से, एक्सेप्शनली। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, मुगलकालीन पेंटिंग्स हैं, या फिर आपको सिक्के जमा करने की आदत है, तो ये सारे एसेट्स आपके पर्सनल और मूवेबल होने के बाद भी क्या माने जाते हैं? कैपिटल एसेट माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमको कैपिटल एसेट ट्रस्ट करने में ही होता है। तो ये कुछ तरीके थे जो आपको हर जगह मिलेंगे, और बस आपको याद रखना है कि कैसे एक पर्सनल एसेट मूवेबल एसेट भी क्या बन सकता है? कैपिटल एसेट बन सकता है। दूसरी तरीके से देखें तो फिक्स्ड एसेट इज़ कैपिटल एसेट, इमूवेबल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स, एंड नॉन पर्सनल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स। तो ये वो हमारा कैपिटल एसेट का पार्ट। सेकेंड जो टॉपिक आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ट्रांसफ़र। अब आप यहाँ देखिए, ऊपर एक डेफिनेशन में लिखा है मैंने, गेन्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एनी कैपिटल एसेट। वाई ट्रांसफ़र, वाई नॉट सेल? सेल क्यों नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे? क्योंकि जनरली अपने को गेन तो सेल करने से होता है, लेकिन सेल ना लिख के यहाँ पे ट्रांसफ़र क्यों लिखा हुआ है इनकम टैक्स ने यहाँ पे? तो ट्रांसफ़र जो है वो एक वाइड वर्ड हो जाता है, एक बड़ा वर्ड है जो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए हैं। ट्रांसफ़र के अंदर सेल भी आता है, लेकिन सेल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं आ सकता। ट्रांसफ़र सेल एक ट्रांसफ़र है, सेल के अलावा गिफ्ट भी एक ट्रांसफ़र है, उसमें भी एसेट आपके पास से जाता है दूसरे व्यक्ति के पास, वेदर वो कैपिटल एसेट बनता है नहीं बनता है बात की बात है। इसके बाद विल भी है जब वसीयत करते हैं, हालांकि ये भी कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनता है। इसके अलावा लॉस बाय फायर, अगर आपको कुछ फायर से लॉस हो गया, इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका एसेट ट्रांसफ़र हो गया और उसके बदले में आपको क्लेम मिलता है, तो उससे आपको गेन हो सकता है। तो ये भी एक तरीके से ट्रांसफ़र है। अब इसको सेल तो हम नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ पे सेल ना लिख के यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया है? ट्रांसफ़र। इसके अलावा कन्वर्जन इनटू स्टॉक, अगर आप अपने किसी एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, इसका मैं मतलब आपको क्लियर बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिल्डर है जिसका काम है मकान बनाना बेचना, और उसके पास खुद के यूज़ के दो मकान हैं। अब वो अपने एक मकान को यूज़ नहीं करता और उसको बेचना चाहता है, और बेचना चाहता है तो क्या करता है, वो अपना उसको स्टॉक घोषित कर देता है, वो अपने स्टॉक के लिस्ट में रख लेता है। जैसे उसने दो दो चार मकान और बनाए हैं बेचने के लिए, तो अपने इस मकान को भी बेचने वाले वाले मकानों की लिस्ट में रख लेता है। तो ये कन्वर्जन इनटू स्टॉक का केस हो गया। और एक है कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन मीन्स कई कई बार आपके जो एसेट्स हैं उसको गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी एक्वायर कर लिया जाता है। कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपके उस प्रॉपर्टी के आसपास बन रहे होते हैं, या गवर्नमेंट को आपकी उस लैंड की, इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है, तो आपसे कंपलसरी क्या कर लेती है? अक्वायर कर लेती है। तो इस केस में भी आपने बेचा तो नहीं, लेकिन आपके पास से वैसे ट्रांसफ़र हो गया, और ट्रांसफ़र होने के बाद आपको उसका जो भी मुआवजा मिलता है वो आपका इनकम हो गया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो तीन केसेस हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, लॉस बाय फायर, कन्वर्जन इनटू स्टॉक एंड कंपलसरी एक्विजिशन, ये तीनों के तीनों आपके रिसीव्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम के पार्ट हैं। इसका मतलब ये है कि जब इनका पैसा, इनका मुआवजा, जब इनका मुआवजा आपको मिलता है, हो सकता है कि वो तुरंत मिले, या 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या 10 साल बाद मिले, तो जब मिलेगा तब आपको इसके कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना है। अभी जब तक ये नहीं मिला हुआ, ये कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनता है। लेकिन सेल, इस कंडीशन में क्या होता है, सेल हो गया, भले आपको उसका पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, भुगतान मिला नहीं भी हो, तो भी हम क्या करेंगे, जिस ईयर में सेल हुआ है उस ईयर में कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। तो ये ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र और भी बहुत सारे हैं, ट्रांसफ़र में स्टैम्प ड्यूटी ट्रांसफ़र, या बहुत सारे, जैसे कंपनी को हम ट्रांसफ़र करते हैं,
होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी, और भी अमल कमीशन के पार्ट्स हैं जो एडवांस लेवल में हम जाएंगे तो हम बात करेंगे। फिलहाल अभी बेसिक लेवल पे हमको ये जानना है कि ट्रांसफ़र के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ से MCQs आने की संभावना बहुत है, जैसे CGPSC के एग्ज़ाम्स हैं, नेट है, सेट है, किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर हम बात करें तो इन तीन टॉपिक में से बहुत सारे MCQs बनते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ये रिसर्च बेसिस मेथड से होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ दो चार देखें कि उसमें से कौन सा रिसर्च बेसिस का पार्ट है या नहीं है। यह MCQ बनता है कि सेल का कैलकुलेशन हम कब लेते हैं, इनके कैलकुलेशंस को हम PCR में दिखाते हैं, एट्सेट्रा। आइए लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं इसके। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कैपिटल गेन्स। तो ध्यान रखिए, कैपिटल गेन्स दो टाइप के हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से होने वाला गेन है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से होने वाला गेन है। अभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये समय के हिसाब से बनाया गया है, न कि एसेट के वैल्यूएशन के हिसाब से या फिक्स्ड एसेट्स करेंट एसेट, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके समय के हिसाब से, पीरियड के और होल्डिंग के हिसाब से बनाया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो आपने 36 मंथ से ज़्यादा अपने पास होल्ड करके रखी हुई है कोई एसेट, कोई कैपिटल एसेट, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनता है, और अगर 36 मंथ से कम आपने होल्ड करके रखा है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बनता है। अभी जो प्रीवियसली कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए 2 साल का कुछ प्रोविजंस हैं। मैं इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगा आपसे। इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है कैपिटल गेन्स के बारे में। आज के लिए आपके बेसिकली आपको ये 2 पार्ट पे स्टडी करनी है। थैंक यू।